धरती के ऊपर और ऐसी जगह पर ऑल राइट ब्रो, हो गए तैयार और एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हैं, पेश हैं हुजूर आप सभी के साथ। तो प्रॉपर ये तैयार हो चुका है हमारा बैग और कार्तिक भाई अभी हैं और ये बैग थोड़ा सा बंजी जी और बैगों को रखना बाकी है, बाइक में इंस्टॉलेशन बाकी है, तो उसके बाद निकल जाएंगे सीधा शिरडी की ओर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक संस्कार धानी छोरे के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JVP का है ब्लॉग। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके पहले तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से घंटा दबाओ, वॉल में तोड़ देना। तो चलते हैं यहाँ से शिरडी की ओर। तो शिरडी और बीच में पड़ेगा सनी सिग्नापुर, तो सनी सिग्नापुर होते हुए हम लोग शिरडी पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से यहाँ से और इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके ऊपर आई बेल में जाके देखें। तो चलते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए। भाई साहब हो गए अपना लगेज पूरा तैयार और भाई भी तैयार और महाराजा। तो भैया चलते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, फिर दोबारा आएंगे। तो लेट्स ग्रो ब्रो, अपन निकल चुके हैं साईं के दर्शन करने के लिए। तो महाराज के भी दर्शन हो गए आज मॉर्निंग में। एंड भाई साहब ऐसा था कि आज ठंडे पानी से नहाना पड़ गया, ठंडी ज़्यादा भी है और आज का मौसम मतलब कि महाराष्ट्र में दो दिन से कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। जो राइट हैंड में आप जो देख रहे हैं, जो राइट हैंड में जो है ये है आनंद विहार के जस्ट अपोजिट में है ये विश्वा भक्त निवास सुल्क। तो आप यहाँ पे भी आके यहाँ पे भी रूम लेके आप रह सकते हैं आसानी से। और आपको भाई साहब यहाँ पर ये देखें भाई, तो ये है गार्डन और बहुत प्यारा गार्डन है। यहाँ पर ATM की भी सुविधा है, आपको यहाँ पे ATM भी मिल जाएगा, आपको पैसे निकलवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये है भक्त निवास, ये पूरा है VIP वाला। और ये देखो साफ़ सफाई कितनी प्यारी साफ़ सफाई है और अभी बीच में स्क्वायर बनाया गया है और आसान है, बहुत ही प्यारा है। यदि आपसे शुद्ध हिंदी बनती है तो आप शुद्ध हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये है शुद्ध हिंदी के लिए ज्ञानेश्वरी। तो ये है रूम नंदरोड़ी कार्यालय, रूम के लिए मेन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आपको मैं वो भी घुमाता हूँ, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा एरिया में है, पार्किंग सुविधा भी बहुत अलग है। एंड पार्किंग बस के लिए अलग है, कार के लिए अलग है और मोटरसाइकिल के लिए अलग है। यदि आपके पास ज़्यादा क्या बोलते हैं लगेज होता है और आप कार से आए हैं तो भाई यहाँ पे इतनी सुविधा है ना, इतनी सुविधा है कि आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए इसमें आते हैं और ये है सामान रखने के लिए, सामान रख के खुद ही आते हैं। यदि आप विकलांग जो कोई भी विकलांग होता है, विकलांग के लिए भी ये है, उसको लेके लिए और छोटे बच्चे के लिए भी है। और बहुत ही प्यारा है प्रसादन, मतलब अलग है, वॉशरूम अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, लेडीज़ के और पुरुषों के लिए अलग है। इतनी साफ़ सफाई है ना कि भाई आप वॉशरूम में भी सो सकते हैं। तो ये है हमारा, तो भाई ये है तो यहाँ से बुकिंग करवाते हैं। यहाँ पे जूता चप्पल छोड़ू लड़की है कि लड़का है? लड़का है। राइडर बनाएंगे तेरे को। हाँ। ओके भाई साहब, स्कूल चले हम
अब चार चार एक गाड़ी में चार चार एंड हम पहुंच गए सिटी के बाहर। यहां से खामगा, खामगा है 15 किलोमीटर यहां से, और खामगा से होते हुए हम जाएंगे और भाई साहब बीच में पड़ेगा हमको औरंगाबाद, अब औरंगाबाद से होते हुए सीढ़ी। तो भाई साहब प्रेजेंट में अभी 414 किलोमीटर हम लोगों को जाना है एंड भाई साहब देखते हैं कि वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो भाई साहब अभी पहुंच गए हैं खामगांव एंड खामगांव से हम लोग को यहां से लेफ्ट लेना है। कार्तिक भाई थोड़ा सा आगे निकल गया है, उसका वेट कर रहे हैं। ओ भाई लुक एट मैन ब्रो, लुक एट मैन। अब हम लोगों को पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा थोड़ा देखना चालू हो गया है एंड अब पहाड़ देखना स्टार्ट हो ही चुके हैं। डीजे हमने भी सोचे थे कि भाई अपनी शादी में भी डीजे बजवाएंगे, पर डीजे तो भाई मौका ही नहीं मिला। लॉकडाउन में शादी हो गई, करना पड़ गया। और आ गया है औरंगाबाद हाईवे। I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. भैया यार आज का पहला कच्चा रास्ता जो कि बन रहा है मिलेगा, कितना दूर रहेगा भाई कच्चा रास्ता। और भाई ये देखो ये नदी, एक नदी है, नदी के ऊपर ने वो पुल बन चुका है, ये पुराना पुल। आखिर कितना दूर, ज्यादा दूर रहेगा नहीं। आ गए हम फिर से वही पक्की सड़क पर। तो भाई साहब फाइनली हम लोग एक होटल है और सेगांव से 200 किलोमीटर चल के मैं ये है जो सारथी होटल है। तो सारथी होटल में अभी खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे रह गया है कार्तिक, कुछ ज़्यादा पीछे रह गया है, 50 किलोमीटर दूर है मेरे से। तो फिलहाल अपन को लगी है भूख और 200 किलोमीटर चल के पहली बार मेरा 200 किलोमीटर कंटिन्यूस और विदाउट कहीं रुके यहाँ पहुँच गया हूँ। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और बहुत जल्द सीढ़ी पहुँचना भी है, इसलिए मैं कहीं रुका भी नहीं हूँ। और पीछे भी आने वाला होगा अपना कार्तिक भाई, और जब तक के लिए भाई दाल फ्राई और रोटी बन रही है तो खाया जाए जब तक। भाई जो पूछते हैं कहाँ पहुँचा जी। दाल है तो भाई साहब खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है, दाल और तंदूरी रोटी भी आने वाली है। जो भाई साहब जी दाल तो तंदूरी रोटी। तो ऐसा है कि अभी कार्तिक भाई की गाड़ी हो गई थी पंचर और इसलिए अभी लग गया है 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ पंचर बन गया। और पंचर इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि कितना खतरनाक था ये देखा। लो हो गया कल्याण, ये घुस गया ये इसके अंदर नट बोल्ट, पता नहीं कैसे निकलेगा, इतना बड़ा है पूरा अंदर घुस गया, हवा निकल गई। अरे बच्चों, बच्चे बड़े गजब इंटरेस्ट लेते हैं यार, कुछ भी कहो। ऐसे हमारे अमरावती मतलब तो वो बंदा मुंबई, मिनी मुंबई, मिनी मुंबई, गजब का ट्रैफिक यार यहाँ तो, यार गजब वाला ट्रैफिक है। तो भाई साहब बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर आना पड़ गया ऐसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 400 किलोमीटर। बट क्या है कि जो रास्ते हैं जो बनाए जा रहे हैं बस इन्हीं में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अरे भाई हम तो नदी के ऊपर हैं,
ये है नदी, नदी के ऊपर और ऐसी जगह पर। ओ हो 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 भाई 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 देख रहे हो भाई साहब, ऐसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जा रहे हैं हम, और ऐसे में यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो कैसे लाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे व्यू दिखाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी राइड लाने वाले हैं, तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वो भी आल में जाकर, और शेयर करो शेयर। और महाराष्ट्र जगसन भाई साहब, एक नंबर की सीरीज आने वाली है, बन रही है, और मज़ा आ रहा है इस जगह पर ब्लॉगिंग कर, मोटर ब्लॉगिंग कर, और आप लोगों को इतने इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाने में मज़ा आ रहा है। तो गाइस फाइनली चेहरे की देखो, चेहरे में हो गया है पूरा डल, और भाई 450 किलोमीटर तक कितना बाइक चलाना, और 2 स्टॉप था ओनली, हालत ख़राब थी। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए शिरडी, एंड मेरा ये ब्लॉग यहीं कंप्लीट करता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। एंड भाई साहब थोड़ा सा फ्रेश हो लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने वाले हैं शिरडी के जितने भी हैं स्पॉट हैं, तो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय साईनाथ। यदि आप मेरे चैनल को न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। जब तक के लिए मिलते हैं, जय श्री राम।